दोस्तों, अगर आप अपनी बॉडी से फैट को खत्म करना चाहते हैं, अपने पेट वाले एरिया में अगर आपकी बहुत ज्यादा चर्बी है उसको बिल्कुल जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिनको आप अपने घर पर ही परफॉर्म कर सकते हैं। उसके साथ में मैं आपको कुछ उनकी टेक्निक्स बताऊंगा और साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप फैट को जल्दी कम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो ज्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सरसाइजेस की कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइजेस है जिनको घर पे करके आप अपने फैट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले जो एक्सरसाइज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, वो है रनिंग। अब आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग रनिंग घर में कैसे कर सकते हैं, तो उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका है जिसको बोलते हैं स्पॉट रनिंग। अब देखिए, स्पॉट रनिंग हम कुछ इस तरीके से घर पे ही कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को, इस रनिंग को करके आप अपने फैट को घर पे कम कर सकते हो। अगर आपके पास में टाइम नहीं रहता है, आप बिजी रहते हो, या फिर आप घर से बाहर जाके एक्सरसाइज या रनिंग नहीं करना चाहते हो, तो इस एक्सरसाइज को आप अपने घर पे ही कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और यहां पे मैं एक बात बता दूं, इस एक्सरसाइज का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको सुबह ही करना है, आप चाहो तो शाम को करो, और बल्कि शाम को अगर आप करते हो तो आपकी बॉडी से ज्यादा फैट कम होता है। तो स्पॉट रनिंग आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है जंपिंग जैक। अब जंपिंग जैक को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। यह भी एक एक्सरसाइज है जिसको आप अपने घर पर ही कर सकते हैं। उसके बाद अगली एक्सरसाइज की बात करते हैं जिसको बोलते हैं बर्पी। अब देखो, बर्पी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है आपकी बॉडी में फैट को कम करने के लिए, चर्बी को बिल्कुल खत्म करने के लिए। आपको बर्पी कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है वो है स्किपिंग रोप, मतलब आप लोग रस्सी कूद सकते हो। यह भी एक्सरसाइज आप लोग घर पे ही कर सकते हो। जितनी एक्सरसाइजेस मैंने बताई आपको, यह समझना है कि आपको सारी एक्सरसाइजेस को 10-10 मिनट करना है। मैंने आपको चार एक्सरसाइजेस बताई, आपको सभी को 10-10 मिनट करना है। 10 मिनट से मेरा मतलब है कि आपने एक बार किया, फिर अगर आप थोड़ा सा थक गए तो 30-40 सेकंड का आप रेस्ट लोगे, फिर से करोगे। ऐसे ही करते करते आपको 10 मिनट तक एक एक्सरसाइज को करना है, उसके बाद अगले 10 मिनट दूसरी एक्सरसाइज को करना है। मतलब चार एक्सरसाइजेस, मतलब आपको पूरे 40 मिनट देने हैं अपनी कार्डियो की एक्सरसाइज पे। उसी के साथ में आप लोग एक हफ्ते में कम से कम 2 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किया करो, मतलब आप लोग हैवी वेट उठा के एक्सरसाइज किया करो। अगर आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अपने घर पे करना चाहते हो तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी एक बार आप लोग जरूर देख लेना। उसी के साथ में अगर आप तेजी से अपने बॉडी से फैट को खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आप लोग सुनोवा का बायोस्लिम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को गार्सिनिया कंबोजिया मिलता है, उसके साथ में ग्रीन कॉफी बीन्स मिलते हैं जो कि पूरी तरह से हर्बल एक्सट्रैक्ट होते हैं, जो आपकी बॉडी को नेचुरली वेट मैनेजमेंट करने में मदद करते हैं। बायोस्लिम आपके वेट मैनेजमेंट के साथ साथ मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने में भी आपकी मदद करता है, जिस वजह से आप बिना किसी साइड इफेक्ट के आसानी से अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर पाते हैं। इसमें आप लोग को पीपर निग्रम, यानी जिसे हम ब्लैक पेपर भी बोलते हैं, वो मिलता है, जो आपके डाइजेशन को इंप्रूव करने में भी मदद करता है। साथ में आपके इंसुलिन लेवल को मेंटेन रखता है, जिससे आपकी बॉडी फैट स्टोर नहीं कर पाती है और वो फैट कटिंग फेज में चली जाती है, जिससे आप जो भी खाना खाते हैं या आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, पहले से जो जमा हुआ फैट है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सुनोवा बायोस्लिम पूरी तरह से नेचुरल, टेस्टेड एंड सर्टिफाइड और 100% वेगन है। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आप लोग जान लो। आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हो खाना खाने से पहले, खाना खाने से 30 मिनट पहले आप लोग को इसकी एक टैबलेट लेनी है, और उसको हल्के गुनगुने पानी के साथ में एक गिलास हल्का गुनगुना पानी लेना, उसके साथ में आप लोग को इसे खा लेना है, और इसके 30 मिनट बाद ही आप लोग को खाना या कोई भी चीज आप लोग को अपना मील लेना है। तो इससे धीरे धीरे आपकी जो बॉडी है उसका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा, जिससे आपका फैट धीरे धीरे करके कम होने लगेगा। सुनोवा के बायोस्लिम का मैं लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं आगे कि हमें और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए। देखो, आपको शुगर यानी चीनी को बिल्कुल खत्म कर देना है, मतलब आपको चीनी बिल्कुल नहीं लेनी है। होता क्या है, जब हम चीनी लेते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है, और एक बात को ध्यान रखो, अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल बढ़ा रहेगा तो आप अपने पेट की चर्बी, अपने शरीर की चर्बी कभी भी कम नहीं कर पाओगे। आप लोग शुगर फ्री का यूज करो, लेकिन जो नॉर्मल वाली चीनी होती है उसको कभी भी मत लेना, नहीं तो आपका फैट नहीं कम हो पाएगा। उसके बाद जो अगली
टिप है वो है मेडिटेशन। आप लोगों को कम से कम एक दिन में 10 मिनट तो मेडिटेशन करना ही करना है यार। 10 मिनट कोई बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट आपको सुबह मेडिटेशन करना है, अपनी आंखों को बंद करके थोड़ी देर बैठना है, जिससे आपका जो कोर्टिसोल लेवल है वो बॉडी में कम होता है। देखो कोर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो अगर हमारी बॉडी में बढ़ता है तो उस हार्मोन के बढ़ने से हमारे स्ट्रेस बढ़ता है, और स्ट्रेस के बढ़ने से हमारी बॉडी में इंसुलिन का लेवल बढ़ता है, और इंसुलिन बढ़ने से हमारा मोटापा बढ़ता है। तो अगर आपको इंसुलिन कम करना है अपनी बॉडी में, फैट को कम करना है, तो आपको कम से कम 10 मिनट मेडिटेशन रोज करना चाहिए, तभी आपकी बॉडी से फैट कम हो पाएगा। और जो जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बताई, जो मैंने आपको कार्डियो बताया स्टार्टिंग में, उस कार्डियो का आप लोग एक बार ध्यान रखना कि आपको हफ्ते में कम से कम 3 दिन करना है। आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अभी बिगनर हो तो आप लोग सिर्फ 3 दिन करो हफ्ते में, और 2 दिन आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी एक्सरसाइजेस करो, जिसका मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन मिल जाएगा तो उसको भी देख लेना। जो जो टिप्स मैंने आपको दी आप इनको जरूर अपनाना, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि बहुत ही कम समय में आपकी बॉडी से फैट खत्म होने लगेगा और आप एकदम टोन्ड बॉडी आपको मिल जाएगी। और बायोस्लिम का इस्तेमाल करना मत भूलना, मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक डाल दे रहा हूं, वहां से जाके उसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना, फैट लॉस अगर करना है तेजी से। इसी तरह के अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं, स्क्रीन पे वीडियो लगा देता हूं, कोई भी वीडियो आप लोग जो देखना चाहते हैं यहीं से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं।